लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से x एंड y आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन द जनरल पार्ट वी राइट द जनरल पार्ट a वन x प्लस b वन y प्लस c वन इज इक्वल जीरो एंड a टू x प्लस b टू y प्लस c टू इज इक्वल जीरो. इसका एक जनरल इक्वेशन. अब इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व दो मेथड से करते हैं. फर्स्ट हम जो करते हैं उसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो करते हैं एलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल सेकेंड मेथड जो होता है वह एलजेब्रिक मेथड. एलजेब्रिक मेथड ये तो इसके सॉल्व करने के तरीके होते हैं. तो ग्राफिकल मेथड और एलजेब्रिक मेथड. तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन. ग्राफिकल मेथड. अब ग्राफिकल मेथड में जब चलते हैं तो इसके तीन फेस दिखाते हैं. फर्स्ट द टू लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन. पहला होता है इंटरसेक्टिंग टू लाइन इंटरसेक्ट. देयर इंटरसेक्ट दैट कॉल्ड द इंटरसेक्टर. तो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी. मतलब जब दो लाइनें हों और वह कैस्टेरियन प्लेन पे कहीं पर भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं उसे इंटरसेक्टिंग लाइन करते हैं. इसका क्या होता है फॉर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू. सेकेंड पैरेलल द लाइन विल बी पैरेलल. सपोज देन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल जीरो. ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल जीरो. दो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एनी वेयर दैट कॉल्ड द पैरेलल. इसे हम क्या कहेंगे पैरेलल. तो इसका क्या होता है पैरेलल में ए वन बाई ए टू इज इक्वल बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी. इसका थर्ड आता है जिसे हम कहते हैं ऑन साइड. थर्ड क्या होता है जिसे हम कहते हैं ऑन साइड. कॉन्सिडेंस या कॉन्सिडेंट भी इसको कहते हैं. कॉन्सिडेंट भी कह सकते हैं. इसमें क्या होते हैं यह कोई भी दो लाइनें जो होंगी वह एक दूसरे को एक लाइच करेंगे.
इसी पे दोनों लाइनें लाइज करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, ए वन बाई ए टू इज इक्वल बी वन बाई बी टू इज इक्वल सी वन बाई सी टू। यह आपके ग्राफिकल मेथड में तीन कंडीशन आते हैं, तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड पैरेलल, थर्ड वन लाइन लाइज अनदर लाइन, मीन्स एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी लाइज कर जाती है, उसे हम कहते हैं कॉन्सिडेंट। इंटरसेक्टिंग इफ हैज ओनली वन सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, इसमें जो होंगे नो सोल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट। क्लियर? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मत, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसे आप बिना सॉल्व किए हुए या केसेस के आधार पे इसको आप बता सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। तो a1 इज इक्वल 3, a2 इज इक्वल 7, b1 इज इक्वल माइनस 5 और b2 इज इक्वल माइनस 9, c1 इज इक्वल 8 और c2 इज इक्वल 9 माइनस 5। तो अब इसके तीन केसेस हम बताएंगे। केस फर्स्ट क्या कहता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अब देखिए 3/7 इज नॉट इक्वल b1 बाई माइनस 5/6। यह है क्लियर? 3/7 इज नॉट इक्वल माइनस 5/6। सो यह कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग। यह कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग। यदि यही a1 a2 इज इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता तो वह पैरेलल बनाता। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2 होता तो वह कॉन्साइड बनाता। कॉन्साइड बनाता तो मीन्स एक ही लाइन पे दोनों आपके लाइज करते। तो यह छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम इस प्रॉपर्टी से, इस केस से तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0, 2x प्लस 4y इज इक्वल 16। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि अब यहाँ पर फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। a1 इज इक्वल 1, a2 इज इक्वल 2, b1 इज इक्वल 2 और b2 इज इक्वल 4, c1 इज इक्वल माइनस 8 हो गया, c2 इज इक्वल माइनस 16। अब माइनस 16 क्यों लिखें, इसका रीजन यह था कि 2x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल 0। ax प्लस by माइनस c इज इक्वल 0। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे a1 by a2 1/2, b1 by b2 2/4, c1 by c2 -8/16। अब इस चीज को आप देखिए कि 1/2 इसको भी यदि हम कर दिए तो यह भी 1/2 हो गया, और यह माइनस माइनस कट जाएंगे, यह भी इसका भी
वन बाई टू हो जाता है, हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, ए वन बाई ए टू इज इक्वल बी वन बाई बी टू इज इक्वल सी वन बाई सी टू। तो कौन सा केस मैं बताया था, यह ए वन बाई ए टू इज इक्वल बी वन बाई बी टू इज इक्वल सी वन बाई सी टू, कौन सा केस बताया था? थर्ड केस यह हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट। यह कॉन्सिडेंट जब आ जाएंगे, कॉन्सिडेंट तो यह जब आ जाते हैं, कॉन्सिडेंट जब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे यह क्या होते हैं, लाइज करते हैं। इसके मेनी सोल्यूशन होते हैं, कितने सोल्यूशन होते हैं, मेनी सोल्यूशन। इसको अदर आप क्या कर सकते हैं, मेनी सोल्यूशन आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यह इंटरसेक्शन था, इसमें ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, तो यहाँ कितने सोल्यूशन थे, वन सोल्यूशन थे। यहाँ देखिए मेनी सोल्यूशन हो गए। जो केस बताए वो क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सोल्यूशन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल जीरो, टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल सेवन। इसको फिर हम आर करके ये लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इज इक्वल जीरो। अब यह जनरल फॉर्म में हो गया, ए एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ देखेंगे ए वन इज इक्वल वन, ए टू इज इक्वल टू, बी वन इज इक्वल सिक्स, बी वन इज इक्वल थ्री, बी टू इज इक्वल सिक्स, सी वन इज इक्वल माइनस फोर और सी टू इज इक्वल माइनस सेवन। क्लियर। अब यहाँ देखिए ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू इज इक्वल वन बाई टू, बी वन बाई बी टू इज इक्वल थ्री बाई सिक्स हो गई, सी वन बाई सी टू इज इक्वल माइनस फोर बाई माइनस सेवन। तो माइनस माइनस कर गए, फोर बाई सेवन। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कि ये थ्री वन या थ्री, थ्री टू या सिक्स, तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल वन, बी वन बाई बी टू इज इक्वल वन बाई टू। क्लियर। बट सी वन बाई सी टू इज नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, सो वी कैन राइट ए वन बाई ए टू इज इक्वल बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू। अब ये किस कंडीशन में है, आपका यह कंडीशन कौन सा है जिसमें यह क्या बताता है, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन बन गया, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी सोल्यूशन डज ईच ग्राफ है। तो अब यह केसेस पे ही है, ये सारे एक एक नंबर के ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रहा, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, तो यह इसके क्या होंगे, फर्स्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट इंटरसेक्ट यह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन कह सकते हैं या ओनली वन सोल्यूशन, क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन। इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्या कह रहे हैं, अब देखेंगे कि ये दो लाइनें जो है ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब नेक करेंगे, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगे
तो इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे। अब सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड कह रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, हो गया। जब ये पैरेलल लाइन है तो नो सोल्यूशन, इसका आंसर जो होगा नो सोल्यूशन, हो गया क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि अब यहाँ देखिए कि ये जो एक लाइन है, एक तो आई है, फिर इसी पे ये रिटर्न हो गई है, और इसी को हम कहते हैं कॉन्सिडेंट या कॉन्साइन। तो इसके मेनी सोल्यूशन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कॉन्सिडेंट। ये कॉन्सिडेंट होता है, इसके मेनी सोल्यूशन। इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन जो भी आप बोल सकते हैं। ओके क्लियर।